अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की कोई भी रेसिपी की कोई वीडियो मैंने नहीं डाली है। आज जो मैंने वीडियो ली है ये है एक शॉर्ट मिनी ब्लॉग, क्योंकि मैं जा रही हूँ मास्टर शेफ इंडिया के ऑडिशन के लिए। बहुत ज़्यादा नर्वस और एक्साइटेड भी थी, तो सोचा क्यों ना आप लोगों से भी ये एक्सपीरियंस शेयर करूँ। बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। ये वीडियो मैं गई थी दिल्ली में, जनकपुरी वेस्ट मैं रहती हूँ, शाहदरा। तो मैं मॉर्निंग में निकल गई थी 6:30। रात को इतनी एक्साइटमेंट, इतनी नर्वसनेस की वजह से नींद भी नहीं आई। मॉर्निंग में 4:30 उठकर जल्दी जल्दी से खाना बनाया, प्रिपरेशन करी और देन फिर निकल गई 6:30। 7:30 में वहाँ पहुँच गई थी। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, अभी आप आगे की वीडियो में देखेंगे उसको। बस मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप इस ऑडिशन के लिए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको कम से कम 5 से 6 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा। तो खाना उस तरीके से, उस हिसाब से बना के लेके जाइएगा कि खाना ख़राब ना हो। मेरा खाना अल्हम्दुलिल्लाह ख़राब नहीं हुआ था, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही मैंने जो खाना वो बना लिया था, लेकिन जो मेरे साथ में थे साथी, उनका काफ़ी खाना ख़राब हो गया था। खैर, अब हम वहाँ पर आते हैं वापस वेन्यू पर। हम यहाँ पहुँच गए हैं, वेन्यू था हैप्पी मॉडल स्कूल जनकपुरी वेस्ट। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, मैंने सोचा था क्या और हो क्या गया। मैंने सोचा था कि भैया इतनी मॉर्निंग में जा रही हूँ, कोई ज़्यादा लाइन में होगा ही नहीं, मैं ही सबसे पहले लाइन में लग जाऊँगी, जाकर ऑडिशन भी दे दूँगी। लेकिन जब मैं गई तो लाइन इस कदर लंबी थी, इस कदर लोग थे, मैंने सोचा अब ख़त्म होगी लाइन, अब ख़त्म होगी। लेकिन लाइन तो थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये वीडियो आप देख सकते हो, इतने सारे लोग मॉर्निंग में ही पहुंच गए, इतना सारा तामझाम, इतना सारी चीज़ें लेकर। कोई अपने मम्मी के साथ आया, कोई पापा के साथ, कोई फ्रेंड के, कोई भाई बहन के साथ, हस्बैंड मुझे इतना अच्छा लगा कि हस्बैंड आए अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए। वहाँ 5-5, 6-6 घंटे लाइन में खड़े रहे, बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा पता नहीं मैं कैसे खड़ी रहूँगी अकेले यहाँ पर 5-6 घंटे लाइन में, पता नहीं कब ही नंबर आएगा मेरा। लेकिन आपको तो पता ही है कि लेडीज़ जहाँ मिल जाती हैं वहाँ बोर कोई होने का सवाल ही नहीं होता। ऐसे ही मेरे आगे पीछे बहुत अच्छी लेडीज़ थी, बहुत अच्छी मेरे फ्रेंड्स भी बन गए उन लोगों के भी यूट्यूब चैनल से। तो मैंने भी उनका चैनल सब्सक्राइब करा, उन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब करे, फ्रेंडशिप भी हुई, नंबर एक्सचेंज हुए, बहुत सारी बातें हम लोगों ने करी कि आप कहाँ से आएँ, आप क्या बना के लाए हैं। और पता है कितने सारे लोग 5th, 6th टाइम आए थे ऑडिशन देने के लिए। तो उनसे पूछा कि अब अंदर जाकर क्या होगा, अब क्या होगा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ लाइन में खड़े थे। थोड़ी देर में हमें टोकन्स मिले, जो आप आगे की वीडियो में देखेंगे। थोड़ी देर में टोकन्स बटने स्टार्ट हुए, देन उसके बाद हम लोग यहाँ, मैं 7:30 का मैं आपको ये व्यू दिखा रही हूँ। मॉर्निंग में 7:30 में इतने सारे लोग थे। ये हैप्पी मॉडल स्कूल का मेन गेट है। अभी ये जो लाइन है ये आगे तक है, लेकिन बाद में जो गेट नंबर 2 है यहाँ से एंट्री स्टार्ट हो गई थी। देन उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग जस्ट पहुँचने ही वाले हैं जो हमारा मेन गेट है वहाँ तक। मॉर्निंग में यहाँ पे मुझे मिला टोकन, जो मेरा टोकन नंबर था 468, और मेरे पहले भी काफ़ी लोग खड़े हुए थे और मेरे बाद भी लोग आते ही रहे। अब खड़े खड़े कुछ तो करना था ना, तो सोचा चलिए वीडियो ही बना ली जाए। हैप्पी मॉडल स्कूल पहली बार देखा, जनकपुरी मैंने फर्स्ट टाइम देखा, काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी यहाँ पे लॉन्च है। देन उसके बाद ये मास्टर शेफ इंडिया में आना तो मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी, लेकिन इस बार मेरी मम्मी ने बोला जाओ बेटा जाओ, हिम्मत करो, कुछ नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही। और वही हुआ, एक्सपीरियंस बहुत हुआ। अनफॉर्चुनेटली मेरी तो डिश सिलेक्ट नहीं हो पाई, लेकिन आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि जाएंगे तो कम से कम शेफ़ रणवीर और विकास खन्ना से तो मिल ही लेंगे। बहुत अच्छा लगा, हाँ मैं भी उनसे मिली थी अंदर जाकर। उसके बाद हम लोग लाइन में खड़े रहे, देखिए आप देख सकते हो अभी तक लाइन में ही खड़ी हूँ मैं। ये जो आप व्यू देख रहे हो ये है दोपहर के 12 बजे का। मॉर्निंग 7:30 में पहुँची थी और 12 बजे हम लोगों की एंट्री स्टार्ट हुई, 12 बजे तक हम लोग खड़े रहे। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ लेके जा रहे हो जो रेफ्रिजरेटर, मतलब ठंडा होना, मतलब ठंडी चीज़ है वो, तो हो सके तो स्किप करिएगा बिल्कुल। और अगर आप किसी के साथ जा रहे हो तो उसकी एंट्री अलाउड नहीं होगी अंदर बिल्कुल भी। तो हो सके तो अंदर जाइएगा, क्यों अपने फैमिली मेम्बर को परेशान करना। जैसे मैं अकेले पहुंची थी, आप भी अकेले ही जाइएगा।
ये मैंने स्कूल में एंट्री कर ली। यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ वगैरह लिए अपने लिए, अपनी मम्मी को वीडियो कॉल करके दिखाया कि मम्मी देखिए यहाँ पर कितना बड़ा बैनर लग रहा है और यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मिले। दैन उसके बाद हम अभी भी लाइन अंदर जाने के बाद भी हम लाइन में खड़े थे और ये था एक फ़ैन मूवमेंट। शेफ रणवीर ब्रार की वैनिटी के सामने हम सब लाइन में खड़े हुए थे। ये बीच में है शेफ़ गरिमा की वैनिटी, देन उसके बाद शेफ़ विकास खन्ना की वैनिटी। देन उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे शायद ये लोग अंदर हैं शेफ़ या फिर बाहर हैं, हम लोग लाइन में ही खड़े रहे। यहाँ पे मैंने फ़ोटो सेशन तो हर जगह चलते ही है और ये आ रहे हैं सामने से शेफ़ विकास खन्ना। सब लोग ऐसे हूटिंग करने लगे, चिल्लाने लगे शेफ़ शेफ़, और जस्ट वो वेव कर रणवीर अब अपने वैनिटी में चले गए। देन उसके बाद आए जो आपको दिख रहे होंगे मरून टी शर्ट में, दूर से आ रहे हैं, ये हैं शेफ़ रणवीर ब्रार। ये बहुत मैं इस मोमेंट का वेट कर रही थी, सारी थकान मेरी उतर गई थी बिकॉज मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं इनकी एक भी रेसिपी की वीडियो स्किप नहीं करती, हर वीडियो देखती हूँ। ये हमें वेव करके अंदर चले गए, इन्होंने सबको बोला ऑल द बेस्ट, मैं ठीक है चलिए। और यहाँ पर ये है मिस कौशिका, इनका भी बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छी है, आदत की हैं ये, बिहार की हैं, इनसे काफ़ी चीज़ें पता चली। बिहार में काफ़ी अच्छी अच्छी डिशेज़ होती हैं और ये बना के लेकर आई थी स्वीट डिश, और ये अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रही हैं जो मैं वीडियो में अनफॉर्चुनेटली इनकी आवाज़ नहीं ले पाई, लेकिन कोई नहीं। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि हम बहुत देर से खड़े हैं, सुबह 7:30 से खड़े हैं और यहाँ पे 1:30 हो गए हैं ऑलमोस्ट। देखते हैं अब हम अंदर कब जाते हैं। अब अंदर जाने की बारी आ गई है, यहाँ पर हो रहा है रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर हमने दिया अपना एक फ़ोटोग्राफ, देन एक आईडी। यहाँ पर हमें मिला रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर हो रही थी शूटिंग, यहाँ पर एपिसोड शूट हो रहा था दिल्ली का। और देखिए यहाँ पर शेफ़ रणवीर खड़े हैं पिंक कोट में, उनका थोड़ी थोड़ी देर में टचअप हो रहा था। शेफ़ गरिमा आपको दिखेंगी अभी नेक्स्ट क्लिप में। लोग आए थे प्रॉप्स लेकर, चार्ट्स लेकर, यहाँ पर शूटिंग हो रही थी, शायद शूटिंग में भी हम लोग दिख जाए, लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पर फ़ोटोज़ लेने के भी मौके मिल गए, बहुत अच्छे थे दोनों शेफ़, बहुत अच्छे से बोले आप कहाँ से आई हैं, कितनी देर से खड़ी हैं, सब बातें हुई। देन यहाँ पर हम लोग हॉल में बैठे, यहाँ पर हमें मिला फॉर्म 6 पेजेस का। 6 पेजेस के फॉर्म में काफ़ी चीज़ें थी जो हमने फिल करी, देन उसके बाद वो फॉर्म हमने सबमिट कर दिया। फिर हमें अपने सीरियल नंबर वाइज सबको बुला रहे थे एक एक करके। अब आप देख सकते हो कितने सारे लोग हैं इस हॉल में और एक एक करके अब सब जाने लगे थे ऑडिशन के लिए। 5-5 और 6-6 करके सबको बुला रहे थे। बुलाने के बाद हम सबको बोला कि आप जल्दी से प्लेटिंग कर लीजिए। वहाँ पर खाना गर्म करने का सब कुछ था, एक गार्निश रूम प्रॉपर बना रखा था खाना गर्म करने के लिए। मैं लेकर गई थी बटर चिकन विथ फ्लेक्सी पराठा एंड एप्पल साइडर विनेगर अनियन, ये रही मेरी डिश, आप देख सकते हो। बाकी सबकी डिशेज भी है इसमें जो मेरे साथ थे, एक प्रॉपर वीडियो ये आप देख सकते हैं। ये है मेरी बटर चिकन की रेसिपी फ़ोटो, ये मैंने ऐसे प्लेटिंग करी थी। यहाँ पर हम लोग कास्टिंग रूम के बाहर बैठे हुए वेट कर रहे थे। यहाँ पे 3 जजेस ऑलरेडी थे पहले से, इन्होंने इंटरव्यू लिया, 3-4 क्वेश्चंस पूछे, फिर हमें नीचे बुला के बोल दिया कि आप में से कोई सिलेक्ट नहीं हुआ है। हमने चलिए बोला कोई बात नहीं, अब मैं जा रही हूँ वापस अपने घर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव ने सब ने मुझे इतना विश करा ऑल द बेस्ट। जब मैंने उनको बताया कि मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस मैटर्स, और यही मुझे ऐसा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आपको मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो।